तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने में लगाई जाने वाली दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जिनकी खेती अगर आप इस जून महीने में कर लेते हैं यानी कि जून के लास्ट वीक तक भी अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगा देंगे तो आने वाले दिनों में यकीन मानिए ये दोनों सब्जियां आपको काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट देके जा सकते हैं। मंडी भाव भी इन दोनों सब्जियों से आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा, उत्पादन भी ये दोनों सब्जियां जोरदार आपको देके जाएंगी और साल भर में मिलने वाले सबसे ज़्यादा मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से इस समय पर लगाने पर आपको मिल सकते हैं। बरसात के दिनों में ज़बरदस्त मुनाफा अगर आप लेना चाहते हैं तो इन दोनों सब्जियों का चयन करके काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट सब्जियों की फसलों से आप ले सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, किस तरह से लगाना है, टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। इसलिए वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों फरवरी और मार्च महीने में अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मैंने कुछ एक सब्जियों के बारे में बताया था कि इस समय पे आप ये सब्जियां लगाएंगे तो आने वाले दिनों में ये सारी सब्जियां आपको जोरदार मंडी भाव देके जाएंगी। और कुछ एक सब्जियों पे मैंने विशेष जोर दिया था कि आप इस समय ये सब्जियां लगा लीजिए, यकीनन जबरदस्त प्रॉफिट आपको देके जाएंगी। और उनमें से काफी सब्जियां ऐसी हैं जिनके मंडी भाव फिलहाल काफ़ी ज़ोरदार चल रहे हैं और उन सब्जियों के बारे में मैंने वीडियोज़ के माध्यम से आपको पहले बता दिया था, मार्च महीने में बताया था और फरवरी माह में बताया था। सब्जी वाले ग्वार के बारे में मैंने आपको बताया था जिसके मंडी भाव फिलहाल 55-60 रुपए के जी के चल रहे हैं। बैंगन के बारे में मैंने आपको बताया था, बैंगन के भी 20-25 रुपए के मंडी भाव फिलहाल चल रहे हैं। देसी टिंडे के बारे में मैंने आपको बताया था, उस समय के वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं, देसी टिंडे के भी 30-35 रुपए तक के मंडी भाव अभी किसान भाइयों को मिल रहे हैं। मिर्ची के बारे में भी बताया था और मिर्ची के भी फिलहाल जबरदस्त मंडी भाव मिल रहे हैं। मैंने यह भी बताया था कि मिर्ची के एक बार मई माह में जो मंडी भाव है वो डाउन आ जाते हैं, उस समय पे काफी ज्यादा मिर्ची जो है वो बाजार में आनी शुरू हो जाती है, तो उस समय पे एक बार डाउन आते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे मई का महीना बीतता है वैसे वैसे मंडी भाव जो है मिर्ची के वापस ठीक होने लगते हैं। फिलहाल मिर्ची के भी 20-25-30 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिल रहे हैं। वैसे ही आज के इस वीडियो में भी कुछ सब्जियों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जिनकी खेती जो किसान भाई इस समय पे कर लेंगे जबरदस्त उत्पादन और जबरदस्त मंडी भाव आप लोगों को मिलने वाला है। नंबर एक पर इस समय जो किसान भाई हरी मिर्ची की खेती करेंगे आने वाले दिनों में जबरदस्त प्रॉफिट हरी मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है, जोरदार मंडी भाव मिलेंगे, बरसात के सीजन में जोरदार आपको उत्पादन मिलेगा। बस बारिश के सीजन में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप थोड़ा ज्यादा होता है, उसके लिए आपको समय समय पर हर 7वें-8वें दिन जो है बदल बदल कर इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करते रहना है। उसके बाद में वायरस से अगर आपने अपनी मिर्ची की फसल को बचा लिया तो यकीन मानिए उत्पादन भी जोरदार मिलेगा और मंडी भाव भी काफी जोरदार मिलने की वजह से मिर्ची इस समय पर लगाने पर आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। कुछ वैरायटियां भी मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। मिर्ची की खेती के बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मैं लगा दूंगा। तो अगर आप इस समय पे हरी मिर्ची लगाना चाहते हैं तो टॉप वैरायटियों के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। इसके लिए इस समय पे आप माहिको कंपनी की एक नव तेज वैरायटी आती है, काफी जोरदार और काफी शानदार वैरायटी है। मिर्ची की क्वालिटी जो है फल की वो आपको काफी शानदार मिल जाएगी, मंडी भाव इस वजह से उसके आपको काफी जोरदार मिल जाएगा और उत्पादन भी इस वैरायटी का जो है काफी शानदार निकलता है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की 158 वैरायटी आप ले लीजिए, काफी जोरदार और काफी शानदार वैरायटी है। काफी सालों से इस वैरायटी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जबरदस्त नतीजे आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप क्लाउज की 158 वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में नुमेंस की एक ओजस वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए, काफी जोरदार वैरायटी है। काफी सारी वैरायटियां हैं, एसएन हाईवेज की मिनिमम वैरायटी आती है, यह भी काफी शानदार और काफी जोरदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में सीड प्रो कंपनी की एक लाशा वैरायटी आती है, यह भी मिर्ची की काफी अच्छी वैरायटी है। नुमेंस की एक क्रांति वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इस समय जो भी वैरायटियां मैंने आपको बताई है काफी शानदार वैरायटियां हैं, बरसात के सीजन में अगर आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो काफी जोरदार उत्पादन ये वैरायटी आपको देके चली जाएंगी और मार्केट वैल्यू भी इन सभी वैरायटियों से आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। तो दोस्तों इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस समय पे आप हरी मिर्ची की नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। अभी आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए और उसके बाद में जून के आखिरी सप्ताह तक या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक,
कहने का मतलब है अगर आप 10 जुलाई तक भी प्लांटेशन कर लेंगे या जुलाई के मध्य तक भी आपका प्लांटेशन हो जाएगा तब भी मिर्ची के जबरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। मिनिमम आप ये मानिए कि 30 से 40 रुपए के एवरेज मंडी भाव इस समय हरी मिर्ची अगर आप लगा लेंगे तो आराम से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जिस समय आपकी हरी मिर्ची मार्केट में आएगी उस समय पर फिलहाल जो हरी मिर्ची चल रही है वो अन्य मार्केट में बंद हो जाएगी, इसलिए आपकी जो हरी मिर्ची होगी वो काफी अगेती होगी और काफी जोरदार मंडी भाव इस वजह से आपको मिल सकते हैं। अगर जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी नहीं डाली है तो आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए, और जो किसान भाई नर्सरी डाल चुके हैं वो इसका प्लांटेशन जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक कर लीजिएगा। क्लाइमेट भी एकदम अनुकूल हो जाएगा, मानसून वगैरह आ जाएगा उस समय तक, और टेम्परेचर भी काफी हद तक डाउन हो चुके होंगे उस समय पे, मतलब लू वगैरह चलनी बंद हो जाएंगी, इस वजह से आपका प्लांटेशन भी ठीक हो जाएगा और मिर्ची जो है आपकी वो अच्छे से ग्रो भी उस समय पर कर लेगी। तो आप हरी मिर्ची की खेती इस समय पर कर सकते हैं और जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो इस समय पर आप बैंगन की खेती कर लीजिए। बैंगन की फसल भी इस समय पे लगाने पर आपको काफी जबरदस्त मुनाफा देके जा सकते हैं। इस समय पे बैंगन के मंडी भाव आप देख लीजिए लगभग 20 से 25 30 रुपए तक चल रहे हैं, 20 रुपए से लेकर 25 30 रुपए तक अधिकतर मंडियां ऐसी हैं जहां पे इस तरह के मंडी भाव बैंगन के चल रहे हैं, काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिल रहे हैं। और बैंगन के मंडी भाव 15-20 रुपए तक के भी मिलते रहते हैं ना पूरी सीजन में, तब भी बैंगन की फसल आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है वो काफी जबरदस्त निकल के आता है। अगर आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं और रोग बीमारियों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, फर्टिगेशन वगैरह ठीक से करते हैं, खाद उर्वरक बेसल डोज में थोड़ी ठीक लेते हैं, तो जबरदस्त उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है। और इस समय पर जो किसान भाई बैंगन की खेती करेंगे यानी कि जून महीने में जो किसान भाई बैंगन लगाएंगे काफी जबरदस्त मंडी भाव आपको मिलेंगे, यानी कि आपकी फसल इस समय पर लगाने पर काफी अगेती होगी और जिस समय पर आपकी फसल मार्केट में जाएगी उस समय पर जो बैंगन की फसल मार्केट में आ रही है वो आनी बंद हो जाएगी, उस समय पर आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे शुरुआत में ही, जिस समय पर आपकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी पहली हार्वेस्टिंग से ही जबरदस्त मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको शुरुआत में आप एवरेज मंडी भाव की बात करें तो 30-35 रुपए के मंडी भाव आप आराम से लेके चल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी इसकी नर्सरी डाल ली है वो तो आप इसका प्लांटेशन कर लीजिए जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक बैंगन की नर्सरी नहीं डाली है वो इसकी नर्सरी फिलहाल डाल सकते हैं और जुलाई के पहले सप्ताह तक या जुलाई के मध्य तक भी आपका प्लांटेशन हो जाएगा, तब भी आपकी फसल काफी अगेती रहेगी और काफी जबरदस्त उत्पादन आपको मिलेगा और काफी जबरदस्त मंडी भाव आपको दे जाएगी और काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। सब्जियों में मिर्ची बैंगन ये और टमाटर वगैरह जो इस तरह की जो फसलें होती हैं ये काफी लंबे समय तक चलती हैं और काफी अच्छा उत्पादन आपको देके जाती हैं, और जो फसलें लंबे समय तक चलती हैं उनके तरह तरह के आपको हर तरह के मतलब मंडी भाव मिलते रहते हैं, इस वजह से ये फसलें सबसे ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती हैं। दोनों फसलें इस समय पे आप लगाएंगे तो साल भर के सबसे अच्छे मंडी भाव इस समय लगाने पे आपको मिलेंगे। मिर्ची भी लंबे समय तक आपकी चलेगी, जब तक आपकी मिर्ची मतलब नवंबर दिसंबर तक जब तक पाले से खराब नहीं होगी तब तक मिर्ची की फसल आपको उत्पादन देती रहेगी। और इसी तरह से बैंगन की फसल हालांकि उतने लंबे समय तक तो नहीं चलेगी फिर भी काफी लंबे समय तक आपको अच्छा उत्पादन देके जाएगी और काफी अच्छे मंडी भाव इस समय पे लगाने पर आपको दे जाएगी। अब आप में से कुछ किसान भाई कमेंट करके पूछेंगे कि सर इन दोनों में से हम कौन सी फसलें लगाएं, मिर्ची लगाएं या बैंगन की फसल लगाएं। काफी किसान भाई जो नए किसान भाई होते हैं वो सब्जियों की फसलों में मतलब पहली बार में फेल हो जाते हैं, और इसका मुख्य जो कारण होता है ना वो ये होता है कि एक ही फसल को लगा के बैठ जाते हैं, वो काफी लंबे चौड़े एरिया में लगा लेते हैं और सिर्फ एक फसल का चुनाव कर लेते हैं। किसी कारणवश या तो उनको उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है और या फिर मंडी भाव की वजह से यानी कि काफी ज्यादा डाउन रहने की वजह से उस सब्जी फसल में वो किसान भाई फेल हो जाते हैं। तो आप ऐसा करें जब भी सब्जियां लगाएं सब्जियों की फसलों से अगर आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट लेना है, जबरदस्त प्रॉफिट अगर आप सब्जियों की फसलों से लेना चाहते हैं तो कभी भी एक ही फसल का आपको चुनाव नहीं करना चाहिए, 3-4 फसलें आपको लगानी चाहिए। जो फसलें हम बताते हैं कि इस महीने में आपको ये फसलें लगाने पर सबसे अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं तो उनमें से 3-4 फसलें आपको लगानी चाहिए। अगर आप एक एकड़ में सब्जियां लगा रहे हैं तो कम से कम एक एकड़ में 2 या 3 सब्जियों का आपको चुनाव करना चाहिए। कुछ किसान भाई मैंने आपको बता दिया कि एक ही फसल लगा लेते हैं, इस वजह से नुकसान के चांसेस भी बराबर रहते हैं। तो अगर आप इसकी जगह 3-4 फसलों का चुनाव करेंगे तो अगर कोई फसल आपकी वीक भी रह जाती है, कोई फसल के मंडी भाव डाउन भी रह जाते हैं तो प्रॉफिट को आपकी जो बाकी की 2 सब्जियां होंगी वो संभाल लेंगी, यानी कि नुकसान का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, मुनाफा आपको फिर भी मिलेगा। अगर 2 फसलें डाउन भी रह गई
तब भी आपकी दो फसलों के मंडी भाव आपको इस तरह ज्यादा मिल जाएंगे कि आपका प्रॉफिट जो है वो काफी ठीक ठाक निकल के आ जाएगा। तो इस वजह से नए किसान भाइयों को मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि जब भी आप सब्जियां लगाए तो दो तीन फसलों का आप चुनाव करें, तभी आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको दो सब्जियों की फसलों के बारे में बताया है और आपको ये दोनों सब्जियों का चुनाव करना है। दोनों सब्जियों का अगर आप इस समय पर चुनाव करेंगे तो जबरदस्त प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आपको देके चली जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।